अगली खबर दिल्ली से सामने निकल कर आ रही है। दिल्ली मेट्रो में शराब की 2 बोतल साथ ले जाने की मंजूरी मिल गई है। सीआईएसएफ और मेट्रो अधिकारियों की कमेटी ने यह फैसला लिया है, लेकिन मेट्रो में सिर्फ सील बंद शराब की बोतल यात्री ले जा सकते हैं और अभी तक मेट्रो की एयरपोर्ट लाइन पर ही शराब की सील बंद बोतल लेकर जाने की अनुमति थी। अब नया आदेश सभी मेट्रो लाइन पर होगा लागू। बता दें कि दिल्ली मेट्रो में 2 शराब की बोतल ले जाने की इजाजत मिल गई है, लेकिन मेट्रो में शराब पीने और शराब के नशे में अप्रिय वारदात यानी कि करने की इजाजत नहीं है। अगर ऐसा कोई करता हुआ पाया गया तो उसके ऊपर कार्रवाई भी की जाएगी। डीएमआरसी ने कहा है कि मेट्रो यात्रियों से अनुरोध है कि वे यात्रा करते समय उचित व्यवहार बनाए रखें। अगर कोई यात्री शराब के नशे में अभद्र व्यवहार करते हुए पाया गया तो कानूनी कार्रवाई उसके ऊपर की जाएगी। तो दिल्ली मेट्रो में अब आप किसी भी लाइन पर अगर यात्रा कर रहे हैं तो 2 बोतल शराब की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन बोतल सील बंद होनी चाहिए। इस दौरान अगर आप शराब के नशे में पाए जाते हैं तो आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाएगी और अगर आपकी जो बोतल है वो अगर खुली पाई गई तो भी आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। तो सील बंद बोतल आप ले जा सकते हैं। पहले बता दें कि एयरपोर्ट लाइन पर ही ये सुविधा थी कि आप 2 बोतल सील बंद ले जा सकते हैं, लेकिन अब दिल्ली मेट्रो में अगर आप किसी भी लाइन से यात्रा कर रहे हैं, ग्रीन येलो किसी भी लाइन से यात्रा कर रहे हैं, तो आप 2 बोतल ले जा सकते हैं शराब की, लेकिन वो बोतल बंद होनी चाहिए। इस दौरान आप दिल्ली मेट्रो में अगर सफ़र कर रहे हैं तो आप नशे में नहीं होने चाहिए। अगर आप नशे में हैं और किसी से गलत व्यवहार कर रहे हैं तो आपके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो मेट्रो में यात्रियों से अनुरोध भी किया गया है, मेट्रो ने किया है कि वे यात्रा करते समय उचित व्यवहार बनाए रखें, किसी भी यात्री के साथ गलत व्यवहार ना करें। अगर अभद्रता करते हुए पकड़े गए तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस खबर पर हमारे साथ नेहा विश्वकर्मा सीधा लाइव हमारे साथ न्यूज रूम से जुड़ गए हैं। नेहा विश्वकर्मा, दिल्ली मेट्रो में कहा गया है कि 2 बोतल शराब के ले जाने की अनुमति दी गई है, क्या कुछ मामले को लेकर अपडेट है? जी सत्यम, यही बात है कि दिल्ली मेट्रो में पहले जो था शराब ले जाना पूरी तरह से मना था, कहीं पर भी शराब नहीं ले जा सकते थे किसी भी लाइन में, लेकिन अब जो है डीएमआरसी की ओर से आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर एक बयान जारी करते हुए ऐसी जानकारी दी गई है कि दिल्ली मेट्रो की किसी भी रूट में अब 2 सील बंद बोतल लेकर यात्री यात्रा कर सकते हैं। एक व्यक्ति 2 शराब की बोतलें लेकर दिल्ली मेट्रो में यात्रा कर सकता है। इसके साथ ही इस नियम में ये भले ही बदलाव हुआ है, लेकिन कई तरह की गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं कि कोई भी किसी से किसी भी तरह का अव्यवहार नहीं कर सकता है। इसके साथ ही शराब पीने पर तो पूरी तरह से मनाही ही है, और अगर इस तरह की कोई घटना सामने आती है तो उस व्यक्ति पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सत्यम, नेहा, पहले देखा जाए तो एयरपोर्ट लाइन पर ही ये सुविधा थी कि आप 2 बोतल शराब की ले जा सकते हैं सील बंद, लेकिन अब ये तमाम पूरे मेट्रो में मतलब कि किसी भी लाइन से अगर आप यात्रा करते हैं, कहीं से भी यात्रा करते हैं तो आप शराब की बोतल ले जा सकते हैं, लेकिन ऐसे में इसी बीच तमाम खबरें ऐसी भी आ रही हैं कि दिल्ली मेट्रो में तरह तरह की रील वायरल होती हैं। ऐसे में जो शराब के लिए कहा गया है डीएमआरसी की तरफ से, क्या लगता है आगे ये सुचारू रूप से चल पाएगा? क्या यात्री दिल्ली मेट्रो में बोतलों के साथ, शराब की बोतलों के साथ वीडियो वगैरह तो नहीं वायरल करेंगे? इसको लेकर कोई ठोस नियम लागू किया गया है? क्या दिल्ली मेट्रो में सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम किए गए हैं हर डिब्बे में? सत्यम, देखिए हर डिब्बे में कैमरा तो होता ही, इसके साथ ही डीएमआरसी ने ये साफ तौर पर कह दिया है कि अगर कोई भी किसी भी तरह का गलत व्यवहार करता है, चाहे वो रील बनाना, रील ऐसा कोई खास रील का नाम मेंशन नहीं किया गया, लेकिन नियमों के आधार पर इस तरह की कोई भी चीज मना है जिससे आसपास के यात्रियों को किसी भी तरह से नुकसान हो या फिर उनको परेशानी हो, इसकी वजह से डीएमआरसी ने ये साफ कर दिया है कि अगर मेट्रो में कोई भी किसी भी तरह का अव्यवहार करता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो रील बनाना हो या अभी तक कई तरह के वीडियो हम देख चुके हैं जिस पर इनके पोस्टर्स भी जारी किए गए, उसके बाद उस पर कार्रवाई भी की गई। तो इस वक्त भी मामला यही है कि अगर किसी भी तरह से लोगों को परेशानी होती है किसी व्यक्ति से जो शराब लेकर जा रहा हो या फिर किसी भी तरह की, तो उस पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
नेहा, जिस तरीके से कहा गया है कि दो बोतल ले जा सकते हैं वो भी सील बंद होनी चाहिए, अगर इस दौरान सील बंद नहीं है तो क्या उस यात्री को वहीं पर रोक लिया जाएगा? सत्यम, बिल्कुल इस बारे में कोई खास जानकारी नहीं है कि उस व्यक्ति को वहीं रोका जाएगा नहीं। हालांकि ये साफ है कि अगर ट्विटर हैंडल पर सीधे शब्दों में ये लिखा गया है कि कोई भी व्यक्ति शराब की दो सील बंद बोतल लेकर यात्रा कर सकता है, तो ये साफ है कि अगर वो बोतल की सील बंद नहीं है या फिर वो किसी भी तरह से बोतल ऐसी है जो नियमों के खिलाफ है तो उसको नहीं ले जाने दिया जाएगा। क्योंकि ये डीएमआरसी ने साफ तौर पर स्पष्ट शब्दों में ऐसी बातें कही है कि डीएमआरसी की ओर से उस व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी जो इस तरह की नियमों का पालन नहीं करेगा। नेहा, ये नियम कब से लागू हुआ है? सत्यम, ये नियम लागू हो चुका है, कोई इसकी तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन जो ट्विटर हैंडल में भी चेक किया गया, कई जगह पर इसका जानने की कोशिश की गई, लेकिन इसकी ऐसे कोई तारीख सामने नहीं आई है, लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि ये नियम लागू है। दरअसल ट्विटर पर ही डीएमआरसी का जो ट्विटर होता है उस पर कई तरह के लोग सवाल पूछते हैं जो भी उनकी समस्या होती है, तो इस पर भी एक व्यक्ति ने सवाल किया था कि क्या इस तरह की जानकारी हमारे सामने आ रही है, क्या ये सही है, जिसका जवाब देते हुए ट्विटर पर डीएमआरसी ने कहा था कि हाँ, दो सील बंद बोतल लेकर यात्री यात्रा कर सकते हैं, लेकिन वो बोतल जो है सील बंद होनी चाहिए। चलिए नेहा विश्वकर्मा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए। खबरों